अगर आपका एज है 35, ओके, आपको इंश्योरेंस मिलना उतना आसान है, क्योंकि नॉर्मली एट अ यंगर एज यू मे नॉट हैव मेडिकल इश्यूज, सो मेडिकल अंडररेटिंग बोलते हैं इसको. सो आपका आई मीन बॉडी कंडीशन कैसा है करके वो लोग इवेल्युएट करते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट देन दे विल इशू अ पॉलिसी. सो नॉर्मली एट द यंगर एजेस आपको पॉलिसी मिलना आसान है. ओके. सो लेटर एजेस नॉर्मली, आई मीन दिस इज ह्यूमन बॉडी, सो नॉर्मली पीपल टेंड टू हैव एलिमेंट्स और कंडीशंस. डायबिटीज किसी को हो, हाइपरटेंशन किसी को हो, या कुछ और प्रॉब्लम किसी को हो, सो देन इट बिकम्स प्रॉब्लम टू इवन गेट अ पॉलिसी इश्यू. अगर पॉलिसी इश्यू भी हो गया वो कुछ एक्सक्लूशंस के साथ इशू होता है कभी कभी. सो इसके लिए कवर्ड नहीं है, उसके लिए कवर्ड नहीं है, ऐसा होता है. सो पहले से ही लेके रखना ही अच्छा है, बट अगर नहीं है तो उस समय हमको एवेल्युएट करना पड़ेगा कि अभी ये पॉलिसी जो मिल रहा है वो लेना अच्छा है कि नहीं. सो इन दिस वी हैव फाउंड आउट वन ऑप्शन एट दिस पॉइंट, एंड दिस विल बी यूजफुल फॉर आवर व्यूअर्स. सी व्हाट वी हैव फाउंड आउट इज टिपिकली इफ यू गो टू एन अ कंपनी फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, कई बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है. सो हम क्या करते हैं, देर आर लॉट ऑफ दिस बैंक्स विच आर ऑफरिंग ग्रुप इंश्योरेंस कवर फॉर ऑल द डिपॉजिट होल्डर्स. सपोज आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है कोई बैंक में, ओके, सब डिपॉजिट होल्डर्स के लिए एक ग्रुप पॉलिसी वो लोग देते हैं. सो आपका सपोज एज है 62, 63, आपका सपोज फॉर एग्जाम्पल योर बैंक अकाउंट इज इन बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक और वन ऑफ दोस बैंक्स, ओके, आप अकाउंट होल्डर हो तो आप ग्रुप इंश्योरेंस वो बैंक से ले सकते हैं. एंड दिस इज वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज द कंडीशंस ऑफ गेटिंग अ ग्रुप इंश्योरेंस इन अ बैंक इन द बैंक इज कंपैरेटिवली ईजियर. टू गेट अ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी इज ईजियर एज कम्पेयर टू एन इंडिविजुअल पॉलिसी. एंड वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है थोड़ा कम भी होता है. सो फॉर अ सीनियर सिटीजन इफ समबडी हैज टू टेक अ पॉलिसी, प्रॉबेबली वो ग्रुप इंश्योरेंस जो बैंक से जो ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है प्रॉबेबली दैट इज अ गुड वर्कर. सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे इसके रिगार्डिंग कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर वो लॉन्गर टेन्योर पे करेंगे तो उनके जाने के बाद उनकी फैमिली जो है वो सिक्योर हो जाएगी, तो क्या ये राइट है या नहीं आपके अकॉर्डिंग? शायद आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं. जी जी, टर्म इंश्योरेंस. टर्म इंश्योरेंस, या विद पीपल दिस इज अनदर मिसकंसेप्शन. ओके. सो एक्चुअली इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि फिनेंशियल अर्निंग कैपेसिटी जब ये रुक जाता है, मतलब नॉर्मल पर्सन 60 साल तक वो काम करते हैं नॉर्मली, सपोज वो 45 साल में या 50 साल में वो गुजर गए, देन फैमिली का जितना भी गोल है, जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी वो ख्वाहिश है, वो सब पूरा नहीं हो पाएगा सपोज इनकम रुक जाता है तो. सो इसीलिए वो टर्म इंश्योरेंस जरूरी है, क्योंकि वो टर्म इंश्योरेंस होगा तो एक बड़ा सा रकम आएगा और वो रकम से आपका जो भी गोल है, जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा हो सकता है. सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग टर्म इंश्योरेंस इज टू कवर फिनेंशियल अर्निंग्स. सो सपोज अ पर्सन हैज कंप्लीटेड द अर्निंग पीरियड एंड हैज सुपर एनुएटेड, मीनिंग ही हैज रिटायर्ड, सो उस एक्चुअली स्पीकिंग उसके बाद टर्म इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है. एक्चुअली जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी उनको एक्यूमुलेट करना था, जो भी उनको उनका केस में जो भी पॉसिबल था वो तो कर चुके हैं. जितना भी सेविंग्स पॉसिबल था, जितना भी एसेट बिल्डअप करना था वो सब पॉसिबल है, एंड जितना भी गोल्स है वो वहाँ तक वो भी अचीव हो चुका है. सो टर्म इंश्योरेंस एक्चुअली इज नॉट रिक्वायर्ड बियॉन्ड द सुपर एनिवेशन एज. नाउ आई विल कम टू द पॉइंट दैट यू वर पॉइंटिंग आउट. सी लॉट ऑफ पीपल टेंड टू थिंक दैट टर्म इंश्योरेंस और इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड बियॉन्ड 60 ऑल्सो. द रीजन फॉर दैट पीपल ऐसा सोचते हैं कि हम प्रीमियम भरते आए, ओके, हमको कुछ ना कुछ हमको मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए.
ओके सो इसीलिए लोग ऐसा सोचते हैं कि हम एक दिन एक ना एक दिन भगवान के पास जाएंगे. सो हाँ सो उधर तक हम पे करते रहेंगे और कम से कम मेरा मिसेस को या नॉमिनी को वो अमाउंट कुछ जो भी रकम है वो मिल जाए. बट दैट इज फॉल्टी थिंकिंग. जितना लंबा आपका पॉलिसी पीरियड है उतना भी ज़्यादा आपका प्रीमियम भी है. बिकॉज सपोज एक इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर 60 साल तक आपको देना है तो एक प्रीमियम वो कोट करेंगे. ओके 60 साल के ऊपर उनको कवर देना है. सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन अबव 60 पासिंग अवे बिकम्स मोर ऑलवेज. सो प्रीमियम ज़्यादा होता है. सो एक्चुअली ये सेंस नहीं बनता है कि वो ज़्यादा 70 या 75 या 80 तक रखने में कुछ एक्चुअली मतलब नहीं. सो 60 तक ही रखना है. आगे जाके ये अननेसेसरली प्रीमियम नहीं भरना है, नहीं भरना है. सिर्फ सीनियर टेली पर अब वेब मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध.